हाय एवरीवन, वेलकम करते हैं एक और न्यू वीडियो में। सो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं न्यू ट्रेलर जो कि यहाँ पे ड्रीम क्रिकेट की तरफ से लॉन्च करा गया है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ तो बेसिकली ये ट्रेलर अभी ऑफिशियल ट्रेलर ड्रीम क्रिकेट की तरफ से लॉन्च नहीं करेगा, बट यहाँ पे ये ट्रेलर यहाँ पे एसएस गेमिंग की तरफ से यहाँ पे लॉन्च करा गया है। तो ये वीडियो का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है कि यहाँ पे एसएस गेमिंग और उनके चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आज इस ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं। तो ट्रेलर में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया गया है इसके बारे में आज बात करेंगे, और यहाँ पे कुछ आप लोगों को हिडन फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, क्या कुछ इस ट्रेलर में हिडन फीचर देखने को आप लोगों को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग यहाँ पे कुछ जो होती है वो स्टेडियम से रिलेटेड होती है। तो जो स्टेडियम यहाँ पे दिखाया गया है वो स्टेडियम आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्टेडियम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो इसके ग्राफिक्स लग रहे हैं वो काफ़ी यहाँ पे ऑसम लग रहे हैं, तो ग्राफिक्स यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को स्टेडियम का जो लुक लग रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ आप लोगों को नेक्स्ट दिखाया जाता है प्लेयर की एंट्री, तो प्लेयर की एंट्री भी यहाँ बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। जो प्लेयर के टेक्सचर देखने को मिल रहे फेसेस के वो यहाँ पे काफ़ी आप लोगों को रियल मिल जाते हैं देखने के लिए। उसके साथ साथ गाइस आप लोगों को जो शॉट है, जो शॉट का कनेक्शन है, शॉट की यहाँ पे बात करें तो शॉट भी यहाँ पे बहुत यहाँ पे काफ़ी अच्छे से शॉट ऐड करा गया है। यहाँ पे शॉट आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे रियलिस्टिक शॉट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने शॉट ऐड करेंगे वो सारे रियलिस्टिक शॉट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँ शॉट्स की तो शॉट यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आपने ऐसे वैसे शॉट ऐड नहीं करे गए हैं, बाकी बहुत ही यूनिक इसमें शॉट ऐड करा गया है। सो बाकी यहाँ पे अभी आप लोगों को बताऊँ तो ये बेसिकली गेम यहाँ पे अभी तो लॉन्च हुआ नहीं है, बट आप लोग शॉट देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फील्डिंग एनिमेशन भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड फील्डिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फील्डिंग एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ तो विकेट सेलिब्रेशन भी आप लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है विकेट का सेलिब्रेशन। तो ट्रेंट बोल्ट ने यहाँ पे ये विकेट लिया है, तो बोल्ड करा तो आप लोग देख सकते काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन लग रहा है। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे जो बॉलिंग का जो एक्शन आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेंट बोल्ट का जो बॉलिंग एक्शन है वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्मूथ है और कितना अच्छा लग रहा है। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 100 कैच आप लोगों को देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो फील्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन कैचेज हैं वो भी इसमें ऐड करी गई हैं। तो बाकी जो मैं आप लोगों को बताऊं जो भी बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है कंपनी की तरफ से, बाकी ये गेम अभी इंडिया में लॉन्च नहीं करा गया है, ये सिर्फ बांग्लादेश में लॉन्च हुआ है, बट यहाँ पे अभी कई लिंक से लोग डाउनलोड कर रहे हैं। बट मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि जब कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लॉन्च हो जाए प्ले स्टोर पर तभी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। तो यही रीज़न है मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को इसकी गेम प्ले की वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी इधर उधर के लिंक से डाउनलोड नहीं करा गेम। मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं बताऊँ तो उसमें डाटा का भी कुछ थोड़ा बहुत इशू हो सकता है कि आप लोगों का पर्सनल डाटा किसी दूसरे के बाद जा सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि जब ऑफिशियली गेम कंपनी लॉन्च करे प्ले स्टोर पे तभी आप लोग इसको यहाँ पे खेलिएगा। तो जिस वक्त भी गेम आएगा आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि गेम बहुत ही जल्दी वेरा लॉन्च होगा, क्योंकि यहाँ पे जब बीटा के लिए लॉन्च करा है उसके साथ साथ अब ट्रेलर भी धीरे धीरे आ रहे हैं, और ऑफिशियल जो कंपनी इसकी है उसकी तरफ से बहुत जल्दी ट्रेलर आएगा मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शॉट काफ़ी अच्छा मुझे लग रहे हैं कि शॉट जो ऐड करेंगे, उसके बाद सेलिब्रेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को यहाँ पे बीटा वर्जन जो लॉन्च करेगा उसमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये जो एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं फील्डिंग वाले वो भी आप लोगों को यहाँ पर इतने जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें अभी ऐड करने बाकी है जो आने वाली आप लोगों को, जो गेम जब लॉन्च होगा फुल्ली तब आप लोगों की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोगों को फील्डिंग के साथ साथ आप लोगों को टूर्नामेंट जो सुपर स्मैश करके एक टूर्नामेंट होता है वो आप लोगों को उसकी ट्रॉफी देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को आगे टूर्नामेंट भी ऐड होंगे, क्विक मैचेस भी ऐड होंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐड होती रहेंगी। फिलहाल जो बाउंड्री लाइन कैचेज हैं वो आप लोग देखें काफ़ी ऑसम लग रहे हैं। उसी के साथ साथ जो ग्रास का टेक्स्चर है वो भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो बेसिकली बात करें यहाँ पे गेम की तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा रियल देखने को मिला है, रियल फेसेस भी ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी यहाँ पे कोशिश करी कि फेस बहुत ज़्यादा रियल हों, और शॉट तो काफ़ी अच्छा लग रहे हैं, बॉलिंग एक्शन न्यू मतलब रियल देखने को मिल जाते हैं, जर्सी आप लोगों को रियल देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो प्लेयर के नेम है वो भी रियल देखने को मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा गेम आप लोगों को रियल बेसिस पे बेस्ड है और लाइसेंस्ड गेम है, तो इसके बाद कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसी वैसी देखने को नहीं मिलेंगी। फुल्ली जो भी चीज़ें आने वाली हैं फुल्ली लाइसेंस्ड होंगी, तो काफ़ी अच्छी गेम होने वाला है जब भी गेम लॉन्च होगा, मतलब प्ले स्टोर पर जब भी फुल्ली लॉन्च होगा तो काफ़ी अच्छा गेम होने वाला है।
तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा गेम है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब जब खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये एक ऐसा गेम है जो मे बी गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल क्रिकेट 22 को टक्कर दे सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ट्रेलर है गेम प्ले भी जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो यूट्यूब पे गेम प्ले मैंने देखा है उसके हिसाब से बात करें तो ये एक ऐसा गेम है मेरे हिसाब से रियल क्रिकेट को टक्कर दे सकता है। बात करें गाइस जहाँ पे इसके रिलीज डेट की, तो रिलीज डेट मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे हिसाब से गाइस ये अगस्त या सितंबर में आप लोगों को लॉन्च हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो गेम काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है, बाकी यहाँ पे रिलीज डेट मैंने आप लोगों को बता दी, मे बी अगस्त या सितंबर तक आप लोगों के गेम देखने को मिल जाना चाहिए। सो गाइज बाकी आप लोगों को बताऊँ तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो यहाँ पे इसके टेक्सचर देखने को मिलने हैं, जितने भी प्लेयर के फेसेस हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी गाइज यहाँ पे मैंने एक्सेस गेमिंग के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए। और गाइज यहाँ पे ना कि मैं आप लोगों को बताऊँ रियल क्रिकेट जितनी भी क्रिकेट गेमिंग कंपनी है उसको यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे टक्कर देने वाला है ड्रीम क्रिकेट। तो मुझे यहाँ पे पर्सनली बताएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग कौन उसमें बताइएगा, जिसने भी अगर खेला है मे भी यहाँ पे जिस भी लिंक से यहाँ पे डाउनलोड करके खेला है या जिन्होंने भी ट्रेलर इसको देखा है उसके बाद गेम का क्या मतलब आप लोगों का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। तो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल करना मत भूलिएगा। चलते हैं आप सभी को बहुत जल्दी नई वीडियो, तक के लिए जय हिंद गुड बाय।